देखिए, योगेन जी की इस बात से मैं सहमत हूं। आवाज आ रही है आपको हमारी? बिल्कुल 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 आपको आवाज आ रही है? जी मैं योगेन भाई साहब की इस बात से सहमत हूं कि राजनीतिकरण हर मुद्दे का होना चाहिए, और ये ही खूबसूरती होती है एक अच्छे सफल लोकतंत्र की। तो जिसमें शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, रोजगार हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, या महिलाओं की सुरक्षा का विषय हुआ, इन सब को चुनावी मुद्दा बनना ही चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। और यदि नहीं बनेगा तो फिर काम कहीं ना कहीं उसमें क्षति होती है। तो ये बात सच है कि सभी पक्षों को इन विषयों के ऊपर संवाद करना चाहिए, और मीडिया के सभी पहलुओं को, सभी वर्गों को भी इन पर अपना ध्यान आकर्षण करना चाहिए। इसीलिए मैं अपनी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि हम मानते हैं कि लोकतंत्र जब ही सार्थक हो सकता है जब अकाउंटेबिलिटी प्रेजेंट की जा सके। और जो चुनाव होते हैं ना भाई साहब, ये अकाउंटेबिलिटी प्रेजेंट करने का समय होता है। तो उसको आप ठीक है आर्ग्यू कर सकते हैं, फाइनली जनता के समक्ष आप भी चीजों को रखें, हम भी अपनी चीज को रखें कि हमने ये कर्तव्य किया है, और उस आधार पर, गुण दोष के आधार पर जनता अपना चयन करेगी आगामी चुनाव में। इसीलिए मेरी पार्टी ने मुझे आपके मंच पर भेजा है कि मैं अपने रिपोर्ट कार्ड को जनता के समक्ष रख सकूं। जहां तक रोजगार की बात है, उत्तर प्रदेश में 4.25 लाख युवाओं को हमने सरकारी नौकरी प्रदान की है। 4.25, जो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन हमने ये प्रदान की है। 3 लाख से अधिक युवाओं को हमने संविदा की नियुक्ति दी है। ये बात भी सच है, मैं मानता हूं कि संविदा की नियुक्तियां जो होती हैं, इसकी इससे बेहतर होती है जो पूर्ण नौकरी होती है, लेकिन संविदा की नियुक्ति भी हमने 3 लाख को दी है। 82 लाख MSME की जो यूनिट थे उनको 2,15,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण दिया है, जिसके माध्यम से 2 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश राज्य विशेष में रोजगार प्राप्त हुआ है। बड़ी औद्योगिक यूनिट में हमने 3 लाख लोगों को रोजगार दिया, हमने नहीं दिया है, हमने संभावनाएं क्रिएट की है कि बड़ी औद्योगिक यूनिट बने और उसके माध्यम से लोग अपना रोजगार का सृजन करें। स्टार्टअप्स के माध्यम से 5 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। जो एक बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो आंकड़ा भी दे रहा हूं मैं, कि 1.5 करोड़ से अधिक जो श्रमिक हैं उनको मनरेगा के तहत काम मिला है। मैं उसको रोजगार नहीं बोलूंगा, लेकिन काम मिला है। 55,000 से ज्यादा महिलाओं को बैंकिंग सखी के रूप में चयनित किया है। 10 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, आप इसको पर डिबेट कर सकते हो, और डिबेट होना भी चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन ये हमने करके दिखाया है। लेकिन